बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस वक्त आप देख सकते हैं मैं मस्जिद गुमामा मेरे पीछे नज़र आ रही है। अच्छा, इस मस्जिद को बड़ी तारीखी हैसियत हासिल है। इस हवाले से तारीखी हैसियत हासिल है कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यहाँ पे सन 2 हिजरी में जो ईद की नमाज़ है पहले यहाँ पे पढ़ाई, और कई साल तक जो है ईद की नमाज़ इस जगह पे होती थी, तो इसलिए इसको मस्जिद मुसल्ला भी कहा जाता है। और दूसरा, इसकी बड़ी तारीखी अहमियत है कि ये मस्जिद यहाँ पर हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज इस्तिस्का पढ़ाया करते थे, तो मदीना के लोगों ने आके हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दरख्वास्त की कि काफ़ी अरसा हो गया बारिश नहीं हो रही और फसलें ख़राब हो चुकी हैं, पानी का इशू है, तो हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यहाँ पे जब इस्तिस्का की नमाज़ पढ़ाना शुरू की, बादल आए और बादल आने की वजह से फ़ौरन बरसे। इस वजह से इस मस्जिद को मस्जिद गुमामा भी कहा जाता है। और तीसरी हैसियत इसकी ये है कि ये जो मस्जिद है यहाँ पर हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो हबशा का बादशाह था नजाशी, जब उसका इंतकाल हो गया तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसकी गायबाना नमाज जनादा यहाँ पे पढ़ाई थी। तो इस हवाले से ये बड़ी तारीखी मस्जिद है, इसको मस्जिद गमामा कहा जाता है।